तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको रोहिणी मेला दिखाने लेकर आया हूँ, जहाँ पे रोहिणी के अंदर पहली बार अंडर वाटर फिश टनल खुला। तो इस मेले की मैं आपको सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, फुल टूर देने वाला हूँ, टिकट प्राइस टाइमिंग सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेला कैसा है वो भी बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया। तो गाइस में आ गए हैं रोहिणी मेले में, और इस वाले मेले के लोकेशन की बात की तो वो होगी जापानीज पार्क, ये सेक्टर 10 रोहिणी में है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा रिठाला का, एडवेंचर आइलैंड भी यहाँ से पास में है। और ये आपको इस तरफ पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग की बात की तो होगी 2-व्हीलर के ₹20 और 4-व्हीलर के ₹50। अंदर जाके आपको अंडर वाटर फिश टनल दिख जाएगा, इसके अलावा कई झूले हैं, कई चीज़ें खा पी सकते हैं, और बाकी जो कुछ भी दिखेगा आपको सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे। तो इस वाले मेले की जो टाइमिंग्स हैं वो हैं दोपहर 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये मेला चालू रहेगा। इसके अलावा ये जो मेला है ये 1 महीने तक चलने वाला है। आज की जो डेट देख रहे हैं आप, आज से 1 महीने तक चलने वाला है। इस वाले मेले के अंदर जाने की बात की जाए तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी टिकट काउंटर से। सिर्फ मेले के अंदर अगर आपने जाना तो उसकी ₹50 की टिकट होगी, और अगर आपने साथ में अंडर वाटर फिश टनल भी देखना है तो उसकी ₹50 और देनी पड़ेगी। यानी अगर आपको पूरा मेला घूमना है तो उसकी टिकट होगी ₹100 की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ₹100 की टिकट है यहाँ से। तो इस वाले टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं, फिर आप सारा का सारा ये जो मेला है देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा, उसके जो नीचे होंगे उनकी टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री रहेगी। तो चलिए धीरे धीरे करके आपको पूरा मेला दिखाते हैं अच्छे से। ये देखिए, अगर आपने मेले के अंदर सीधा जाना है तो ₹50 की टिकट है। इधर से अगर आप जाएंगे तो सिर्फ मेले के अंदर ही एंट्री होगी। एक्वेरियम के अंदर जाना है तो उस तरफ से एंट्री करनी पड़ेगी, ₹100 की टिकट एक्वेरियम की उस तरफ से आपको लेनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं मेले के अंदर। अभी थोड़ा शाम का टाइम होगा तो यहाँ पे लाइटिंग भी काफ़ी सुंदर कर दी जाएगी, अंदर जाके और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो हमने मेले की टिकट ले ली है, चलिए अब अंदर चलते हैं और सारा का सारा यहाँ का पहले अंडर वाटर फिश टनल दिखाते हैं। तो ये चौथा ऐसा एक्वेरियम है जो देख पा रहे होंगे दिल्ली NCR के रीजन में। गुड़गांव में पहला था, उसके बाद नोएडा में था, द्वारका में था, पर हर जगह का अलग एरिया होता है। गुरमीत एक्साइटेड हो अंदर जाने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, चलिए अंदर चलते हैं। और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं ये वाला जो एक्वेरियम है ये कितना अलग है। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, ये चलिए अंदर चलते हैं। बड़ा अच्छा अंडरग्राउंड ऐसा लग रहा है, अंडरग्राउंड सा बनाया पर एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहे हैं। क्या बात है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इधर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, देखिए गोरिल्ला टाइगर और काफ़ी ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे 3D आर्ट के। ये देखिए कितना यूनिक लग रहा है। और यहाँ के एक्वेरियम है ना काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई, काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है। देखो लाइटें लगा रखी हैं और बड़े बड़े इन्होंने एक्वेरियम बना रखे हैं, साफ भी बहुत ज़्यादा है ये। मतलब सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा एक्वेरियम, इससे बड़ा मैंने अभी तक देखा नहीं है। वैसे तो बड़ी होती है, एक्वेरियम इनका बहुत बड़ा है। देख सकते हैं इधर मछलियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ, और इस तरफ यहाँ पे 3D आर्ट बना हुआ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अलग अलग मछलियाँ देखने को मिलेंगी। इस तरफ यहाँ देखिए गोल्ड फिश मछलियाँ, ये तो डर जाती हैं, काफ़ी डरपोक हैं। इसी अलग अलग टाइप की अनेकों मछलियाँ हैं जो देखने को मिल जाएंगी, सारी गोल्ड फिश हैं। इस वाले में आपको देखिए शार्क मछली भी मिल जाएगी, इतनी बड़ी शार्क मछली है। इसके साथ साथ यहाँ पे एंजल फिश भी है जो मिल जाएगी आपको, देखिए ब्लैक रंग की ये एंजल फिश है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह ये 3D आर्ट बना हुआ है, देखिए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ऐसे ये बड़ा यूनिक 3D आर्ट बन जाएगा। इधर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पर ये अभी अंडर वाटर फिश टनल वैसा वाला लग नहीं रहा। तो आगे जाके देखते हैं कैसा लगता है। छोटी छोटी मछलियाँ, हर एक एक्वेरियम का डिज़ाइन अलग अलग होता है, मैंने देखा हर एक का अलग अलग। ये सारी जो मछलियाँ आपको उस तरफ दिख रही थी वही वाली मछलियाँ आपको इधर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ का जो 3D आर्ट है ना वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा आपको। यहाँ देखो कितनी यूनिक यूनिक मछलियाँ हैं यहाँ पर, अलग अलग ऐसी बहुत आगे तक मिल जाएंगी आपको ऐसी मछलियाँ। चलो कह रहे थे बड़ी सफोकेशन सी होती है, ऐसी कोई बात नहीं, सफोकेशन टाइप नहीं होती। इधर से जैसे ही आप मुड़ेंगे ना यहाँ पे आपको दिखेगा असली वाला जो अंडर वाटर फिश टनल ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए कितने बढ़िया लग रही हैं यहाँ पे, काफ़ी आगे तक है देखिए टनल, और बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ, यहाँ की मछलियाँ और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। देखिए कितनी रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर मछलियाँ यहाँ पर, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। ये देखिए कैसे भाग रही हैं। तो
ये हम एक्वेरियम के अंदर आ चुके हैं और धीरे धीरे करके आपको सारा एक्वेरियम अच्छे से दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही छोटी मछलियाँ देखने को मिल रही हैं, आगे आगे जाके बड़ा साइज हो जाएगा, मैंने सुना आगे जाके बड़ा साइज। आगे बहुत बड़ी मछलियाँ हैं। अच्छा, बड़ी मछलियाँ देखो जरा, शार्क भी है यहाँ पे, छोटी शार्क मान लो। अच्छा, कौन सी तो देखते कौन सी शार्क है यहाँ पे। और मैंने देखा यहाँ पे लाइटिंग जो है बहुत ही रंग बिरंगी रखी गई है और अच्छी यहाँ की लाइटिंग है काफ़ी, और इसका जो ग्लास है ना काफ़ी कर्व्ड और अच्छा लग रहा है। तो इधर देखिए काफ़ी यूनिक यूनिक मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी छोटी मोटी। ये देखिए ये वाली जो मछली है ना, ये है शार्क मछली, शार्क ही है ना ये, लग शार्क ही रही है पर लग शार्क। तो आपको क्या लग रही है, शार्क है? अच्छा, मिनी शार्क है। तो ये वो बड़ी वाली ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं, जो ग्रेट व्हाइट नहीं है, ये सिल्वर ब्लैक शार्क ही है। हाँ, सिल्वर ब्लैक है। तो इधर एक नहीं ऐसी कई शार्क दिख जाएंगी, 100 की तादाद में आपको यहाँ पे शार्क मिल जाएंगे। खाना मिल रहा है इनको यहाँ पे। अच्छा, खाना खा रही है यहाँ पे, वही पे मुंह कर रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ है अंदर वहाँ। तो आगे देखते हैं आगे कौन सी मछली देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। और ये वाला बेस्ट एरिया लग रहा है, टंटा नहीं, लाइटिंग परफेक्ट है यहाँ पे। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सी वाली। अच्छा, आगे ये वाली है, ये अच्छी अच्छी मछली है यहाँ पे। पूरा ऊपर तक देखिए, पूरा पानी ही पानी है यहाँ पे। ये भी फिर से लास्ट में आपको यहाँ पे शार्क मछली देखने को मिलेगी, काफी अच्छे कलर्स हैं, शार्क ही शार्क हैं, काफी अच्छे कलर्स, बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, अंडर वाटर शार्क टनल। यहाँ पे नीला है, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे व्हाइट है, काफी अच्छा बना रखा है। तो मतलब थीम एक अच्छी हो जाती है। ये देखिए, ये सारा का सारा टनल आपको अच्छे से दिखा दिया हमने, बाकी मेला दिखाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। सेल्फी पॉइंट्स काफ़ी थे, काफ़ी अच्छा टनल था और यूनिक मछली देखने को मिली थी हमें। तो इस मेले के अंदर आपको कई झूले दिख जाएंगे जिनकी राइड्स ले सकते हैं, 10 से भी ज़्यादा झूले आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस तरफ आप देख सकते हैं कई गेम्स खेल सकते हैं आप चाहें तो, और ख़रीदारी भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कई यूनिक चीज़ों की, और खाने पीने के भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉल मिल जाएंगे। बम्पर कार्स भी है वैसे यहाँ पे राइड्स में। ये देखिए, आप यहाँ पे कपड़े भी खरीद सकते हैं चाहें तो, आम पापड़ वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। इस तरफ यहाँ पे कई झूले हैं, देखिए एक है छोटे वाला कोलंबस राइड है, बड़े वाला भी मिल जाएगा, भूत बंगला भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये कार राइड मिल जाएगी, ये जो साथ में आप देख रहे हैं ये ड्रैगन वाला झूला, इसकी 50 रुपये की टिकट है। भूत बंगले की अलग टिकट आपको लेनी पड़ेगी, उसकी भी 50 रुपये की टिकट है। बच्चों की झूले की टिकट अलग है, और ये जो जायंट व्हील वाला झूला है इसकी भी टिकट अलग आपको लेनी पड़ेगी। देखिए, बच्चों की राइड है टॉय ट्रेन राइड, और इसके साथ यहाँ पे बड़े वाले झूले की टिकट की बात किया तो वो की 100 रुपये की, और कोलंबस राइड भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी भी टिकट 100 रुपये की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपये की टिकट है इसकी, और अभी बस थोड़ी देर में चलने वाला है झूला, ये बच्चों का झूला है ये वाला, और ये बड़ा वाला झूला है कोलंबस राइड, बिल्कुल पीछे बैठेंगे तो असली मज़ा आएगा आपको। और ब्रेक डांस वाला झूला मिल जाएगा आपको, इसके अलावा छोटे बच्चों के भी झूले मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 100 रुपये की टिकट है इसकी, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे खाने पीने को, और छोले भटूरे वगैरह भी मिल जाएंगे, और यहाँ ब्रेक डांस वाला झूला भी मिल जाएगा, 100 रुपये की टिकट इसकी भी है। ये जो झूला देख रहे हैं इसकी 60 रुपये की टिकट है। ये देखिए चालू हो गया कैसे जैंट व्हील, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी बच्चों की कई और झूले मिल जाएंगे जिनकी 50 रुपये की टिकट है। ये देखिए ब्रेक डांस वाला झूला, आपको पता ही कैसे चलता है, एक बार बैठ जाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है ये। क्लासिक पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा आपको, आप अलग अलग टाइप के पिज़्ज़े वगैरह खा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस मेले में। मेले के इस तरफ आपको स्ट्राइकिंग कार भी मिल जाएगी, तो ये स्ट्राइकिंग कार भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, 100 रुपये की इसकी टिकट है। 8 वर्ष से छोटे बच्चे इस झूले में ना बैठे लिखा हुआ। देखिए ये रही सारी गाड़ियाँ। तो यहाँ आप चाहें तो पोटैटो ट्विस्टर भी खा सकते हैं, मॉकटेल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ये प्राइस क्या भैया इसके? 100 रुपये। कितने प्रकार के हैं आपके पास? 4-5 टाइप के। अच्छा, ये देखिए कैसे बन रहा है यहाँ पे पोटैटो ट्विस्टर, और ये मोइटो वगैरह हैं जो खा पी, और ये मोइटो वगैरह जो पी सकते हैं आप, ये सब भी आपको मिल जाएगा इस मेले में। फिर बच्चों के भी झूले मिल जाएंगे, बीच में पिलर वाला झूला है, टावर वाला झूला कह दीजिए, ऊपर तक चला जाता है। और इधर ये एरोप्लेन राइड भी ले सकते हैं, भेलपुड़ी भी मिल जाएगी, चुस्की भी मिल जाएगी, काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो मिलेगा इस मेले में। मेला भाई काफ़ी मज़ेदार मेला है। यहाँ पे देखिए ये भेलपुड़ी भी खा सकते हैं, सॉफ्टी वगैरह भी मिल जाएगी, और यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी मिल जाएगा, अलग अलग साइज़ के स्वीट कॉर्न खा सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर के स्वीट कॉर्न खा सकते हैं। फ्रेश जूस मिल जाएगा, लीची जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, सॉफ्टी मिल जाएगी, चुस्की मिल जाएगी, कॉटन कैंडी मिल जाएगी, तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे खा पी पाएंगे आप। और इधर देखिए मोमोज भी कई अलग टाइप के हैं जो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखिए ये टावर वाला झूला कैसे चल रहा है, काफ़ी मज़ेदार है ये। तो
ज़्यादातर मेला आपको दिखाई दिया, ये वाला एरिया आपको दिखा देते हैं मेले का। देखिए इस वाले तरफ आप यहाँ पे शूटिंग गन खेल पाएंगे। क्या भैया इसका प्राइस क्या है? 100 के 10। तो ये भी खेल सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए इसको मारना होगा सामने, और फिर यहाँ पे आप ये वाली गेम खेल सकते हैं बॉल वाली, ये मारना होगा तो इनाम मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ आगे ये रिंग गेम है, पता ही होगा, रिंग फेंक नहीं होगी जाएगी अंदर, तो जो जिसमें भी जाएगा वो वाला इनाम मिलेगा। और आगे यहाँ पे लकी ड्रॉ की गेम है, यहाँ से आप छोड़ेंगे इसको और कुल मिला के जितना भी बनता है वो आप जीत पाएंगे। उसके गेम खेलने के चार्ज लगते हैं, वो चार्ज देने के बाद फिर ये गेम खेल पाएंगे। तो इधर आपको यहाँ पे फास्ट फूड मिल जाएगा, इसके अलावा चुस्की मिल जाएगी, राम लड्डू मिल जाएगा, यहाँ पर स्वीट कॉर्न खा सकते हैं, यहाँ पे स्मोक बिस्किट खा सकते हैं चाहे तो। सेल के लिए इस तरफ यहाँ बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉल मिल जाएंगे। पीछे देखिए यहाँ पे राइड्स भी हैं, और यहाँ पे टावर वाला झूला भी इस तरफ। देखिए यहाँ पे सिक्किम का फास्ट फूड खा सकते हैं, फ्राइड राइस, चाउमीन वगैरह। देखिए इधर यहाँ स्मोक बिस्किट भी हैं और सेल भी है आगे, 20 रुपये की कुछ भी ले लीजिए आप, तो अच्छी चीज़ें जिनकी शॉपिंग कर सकते हैं अब यहाँ पर। देखिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। उस तरफ में आगे सेल 100 रुपये, कोई भी टॉय ले लीजिए यहाँ पे, सॉफ्टवेयर सब कुछ यहाँ पे 100 रुपये का है। इसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह मिल जाएंगी आप, और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। देखिए टॉयज़ वगैरह भी ख़रीद सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस तरीके का सामान भी मिल जाएगा, देखिए कप्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। पान वगैरह से, पान वाले से पान भी खा सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट हलवा, मिल्क शेक्स, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सीड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कई यूनिक आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इस वाले मेले में। देखिए ये सब भी खरीद सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे टैडी हैं, छोटे से लेके बड़ा टर्टल मिल जाएगा, बहुत कुछ है जो खरीद सकते हैं आप। ये डोरेमोन कितने के? देखिए 100 रुपये का ये हल्क मिल जाएगा आपको, और कई इलेक्ट्रा की ऐसी चीज़ें जो खरीद सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगेगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया।